मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बेंजामिन सर फ्रॉम KV नंबर 2 ईटानगर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट, दैट इज यूनिट 3। सो इन दिस यूनिट टुडे वी आर गोइंग टू रिसाइट अ ब्यूटिफुल पोएम, अ स्माइल। सो लेट्स बिगिन। A smile makes everyone happy. Enjoy this poem. A smile, let's recite. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. So students, try to recite this poem at home. Now I'm explaining line by line. A smile is quite a funny thing. Have you ever smiled? Yes. Children look too cute when they smile. So smile is quite a funny thing. मुस्कान जो होती है वो पूर्ण रूप से एक बहुत ही विचित्र चीज होती है। फनी का मतलब विचित्र, मज़ेदार। स्माइल का मतलब मुस्कान। इट रिंकल्स अप योर फेस, और जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे में झुर्रियों का बनना होता है, झुर्रियाँ बनती हैं, और हमारा चेहरा नॉर्मल चेहरे से थोड़ी अजीब दिखने लगती है। एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड, तो जब हम मुस्कुराते हैं, अब मुस्कुराने के बाद जब हम मुस्कुराना बंद कर देते हैं, दैट मीन्स व्हेन इट्स गॉन, व्हेन स्माइल इज गॉन फ्रॉम योर फेस, यू विल नेवर फाइंड, और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। फाइंड मतलब खोजना, खोज के निकालना। तुम्हें खोज के ये निकाल नहीं पाओगे, कभी जान नहीं पाओगे इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, कि आखिर इसकी सीक्रेट मतलब गुप्त, हाइडिंग मतलब छुपने, छुपना, और प्लेस मतलब जगह। तो इसके गुप्त छुपने की जगह हम कभी इसे खोज के निकाल नहीं पाते। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़, जितना ये आश्चर्यजनक है, जितना ये मज़ेदार है, टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। मज़ेदार किसमें है कि हम ये जान सकते हैं कि स्माइल्स, मुस्कुराहट क्या क्या कर सकती है। यू स्माइल एट वन, जब आप किसी के सामने मुस्कुराते हो, स्माइल्स एट यू, वो भी तुम्हें देख करके मुस्कुराता है। एंड वन स्माइल मेक्स टू, और इस तरह से आपने मुस्कुराया, सामने वाले ने मुस्कुराया, और इस तरह से दोनों मुस्कुराए। कहने का मतलब एक मुस्कान से दो मुस्कान यहाँ बन जाती है। कहने का मतलब है जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला आदमी, चाहे वो कोई भी परेशानी में हो, फिर भी वो मुस्कुराता है। कहने का मतलब है आप उसकी ज़िंदगी में मुस्कान लाते हैं, स्माइल लाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान जो किसी दुख में होगा, कोई कष्ट में होगा, तो हमारी मुस्कुराहट को देख करके वो भी मुस्कुराए, और कुछ पल के लिए अपने दुख और कष्ट को भूल जाए। तो बच्चों, ये पोएम आप रिसाइट करो, घर पे पढ़ो, पढ़ करके इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजो। ठीक है, न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, रिंकल्स, रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियों। ठीक है, जैसे आप लोग ओल्ड पीपल को अगर देखोगे तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं। सीक्रेट, गुप्त, हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह।
ठीक है, इस पोएम का आप लोग पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले दिन और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।